हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे और आ गई हूँ एक और नई एडिटिंग वीडियो के साथ। सो इस वाली वीडियो में बताऊंगा इंस्टाग्राम पे एक सॉन्ग चल रहा है काफ़ी ट्रेंड में चलते फिरते और इंटू टिप टिप वर्षा पानी। आपने सॉन्ग तो सुना ही होगा, रील में देखा ही होगा, तो उस वाले रील पर हम आज स्टेटस वाले वीडियो बनाने वाले और काफ़ी औसम धमाकेदार तरीके से। सो आज मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने, वरना डिसलाइक भी होगा। सच्चा सो लाइक और डिसलाइक का बटन जरूर दबा के जाए और नीचे कमेंट करने का मन हो तो जरूर से कमेंट कर दे भाई। और प्रीव्यू देखे पहले आप, सो प्रीव्यू कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ फास्ट से अपनी बोली सवाल आता। सो गाइस यार, इस टाइप की वीडियो बनाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और एंडिंग तक आपको जो है वीडियो को देखना और दो प्रोजेक्ट को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। पहला जो इफेक्ट वाला होगा, दूसरा जो बीट मार्क वाला होगा। और आपको पता ही है लाइट मशीन काफ़ी जो है अपग्रेड हो गया, मतलब कि फुल अपग्रेड हो गया। उसमें थोड़ा सा आपको जो पंगा पड़ेगा, मतलब कि पता नहीं चलेगा क्या करना है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देख इसलिए बोल रहा हूँ। और बाकी जितने भी मटेरियल्स वो सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सो इजीली से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जितने भी मैं फोटोज़ यूज़ कर रहा हूँ सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे, ठीक है। सो आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोनों, तो मटेरियल वेबसाइट का भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मटेरियल जरूर से डाउनलोड कर ले। सो आपको आगे अपने लाइट मशीन को ओपन करना, तो यहाँ से मैं अपने लाइट मशीन को ओपन करके बताता हूँ आगे का प्रोसेस। लाइट मशीन को ओपन कर लोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सो अब आपको क्या करना, प्लस के राइट साइड में जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सो प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाना और पहला आपको जो है यहाँ से मिल जाएगा बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट, जहाँ पे पहला जो आपको इस टाइप से लोगो देखने को मिलेगा, तो ये मेरे लोगो को डिलीट करके आप जो है अपने लोगों को ऐड कर ले। और यहाँ पे आपको बीट मार्क पे जाने के लिए आगे और पीछे आने के लिए आपको जो है यहाँ पे एरो दिया हुआ है प्ले के लेफ्ट और राइट में। सो एक एरो से आप इजीली एक बीट मार्क से लेके अगले बीट मार्क और पिछले बीट मार्क पे आ जा सकते हो, ठीक है। सो इस टाइप से बीट मार्क का यूज़ करें, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वाले बीट मार्क पे आना, सेकंड वाले बीट मार्क मतलब जी फर्स्ट है स्टार्टिंग से लेकर जो फर्स्ट वाले 0.3 सेकंड पे जो बीट मार्क है वहाँ पे आना और यहाँ से लेके और आगे जो 5.07 पे आपको जो है एक वीडियो को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो लिरिक्स वीडियो है, तो वो उसके लिए आपको क्या करना, प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, सो प्लस के ऑप्शन पे टैप करेंगे, देन मीडिया में जाएंगे और यहाँ पे आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना, डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे मैं बताता हूँ कुछ इस टाइप से ये जो बीट मार्क इस टाइप से आपको जो है लिरिक्स वीडियो देखने को मिलेगा। देन आप क्या करना, इस पर टैप करके इसका ऑडियो को जो म्यूट कर लेना, फिलहाल तो नहीं है लेकिन फिर भी म्यूट कर दे। देन आप क्या करें, इस पर टैप करके इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दे, ठीक है। सो कट हो गया, देन आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से देख ले और देन आपको क्या करना, यहाँ पे आपको जो इसके आगे जितने सारे भी बीट मार्क है ना गाइस, उन सब पे आपको फोटोज लगाने और इफेक्ट लगाना, ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या करना, इस वाले बीट मार्क पे आ जाना, देन आपको क्या करना, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, सो प्लस के ऑप्शन पे टैप करेंगे, देन मीडिया में जाएंगे और यहाँ पे आपको जितने सारे भी फोटोज मिल रहे हैं ये सारे फोटोज आपने एक एक करके इंपोर्ट करना है। सो क्या करते हैं, यहाँ पे आपको कोई सा भी फोटो को सिलेक्ट करना है, देन आपको क्या करना, थ्री डॉट पे टैप करना है और यहाँ पे आपको फील कंपोजिशन एरिया का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन। सो इस पे आपने टैप करना, देन एरो पे टैप करें अगले बीट मार्क पे जाने के लिए, इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाएं। और सॉरी अगर कोई और गलत ऑप्शन बता रहा हूँ, तो आप एक बार ट्यूटोरियल जरूर देख ले लाइट मोशन का, लेकिन मेरे आइडिया से यही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन, मतलब कि सही वाला तरीका, ठीक है। देन आपको क्या करना, फिर से प्लस पे टैप करें, इमेज एंड वीडियो में जाएं, देन अगले इमेज को सिलेक्ट करें, देन थीटर पे टैप करके फील स्किन, यहाँ पे फील स्किन का ऑप्शन नहीं है, फील कंपोजिशन एरिया का ऑप्शन, सो उस पे आपने टैप करना, देन एरो पे टैप करना अगले वाले बीट मार्क पे जाने के लिए,
है देन इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इसको आर्टिकल लगा लेना, देन फिर से प्लस पे टैप करेंगे इमेज एंड वीडियो, देन यहाँ से आपको कोई सा भी इमेज को सिलेक्ट करना, देन थीटर पे टैप करके फील कंपोजिशन एरिया करना, देन एरो पे टैप करके इस टैप से इसको जो है कट लगाना, देन फिर से प्लस पे टैप करें इमेज एंड वीडियो और यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करना, देन थीटर पे टैप करके फील कंपोजिशन एरिया करना, देन एरो पे टैप करके इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाएं, देन फिर से प्लस पे टैप करते हैं इमेज एंड वीडियो, देन अगले इमेज को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना, देन थीटर पे टैप करके फील स्किन करना, फील स्किन का ऑप्शन नहीं है सो फील कंपोजिशन एरिया का ऑप्शन है सो उस पर टैप करना, देन एरो पे टैप करके इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना, ठीक है। सो इस टाइप से आपको जितने सारे भी बीट मार्क है ना गाइज उन सब पे आपको जो एक एक करके अलग अलग इमेजेस को इम्पोर्ट करना। सो यहाँ पे इमेजेस को आपको मैं इम्पोर्ट करना तो सिखा ही रहा हूँ, सो देख सकते हो कितने इजीली से इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो आपको भी इसी टाइप से इमेजेस को इंपोर्ट करना है, यानी इफेक्ट को पेस्ट करना वो सारा कुछ भी बताऊंगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ जितने सारे भी बीट मार्क पे जो फोटोज यूज़ करना है मतलब कि फोटो इंपोर्ट करना वो सारे मैं कर लेता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ कैसे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कैसे कर रहा हूँ इजीली तरीके से, तो आप भी कर ले इजीली तरीके से, देन देख सकते हो कितना इजीली तरीके से हो रहा। और यहाँ से इसके बाद एक लास्ट इमेज है वो मैं आराम से आपको बताता हूँ आपको क्या करना। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है इस पे टाइप करना, मीडिया में जाना हो आपको कोई सा भी फोटो को चूज कर लेना, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वाला फोटो पसंद आया तो ये वाला इंपोर्ट कर लेते हैं, देन थीटर पे टैप करके यहाँ से फील कंपोजिशन एरिया कर लेते हैं, देन एरो पे टैप करके इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगाएं, देन देख सकते हो सॉन्ग इधर तक है तो यहाँ तक हम बीट मार्क को रखेंगे मतलब कि फोटो सबको यहीं तक इंपोर्ट करेंगे, देन आपको इस पर इफेक्ट लगाना। सो उसके लिए आपको क्या करना गाइस, आपको क्या करना इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको चले जाना इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में और ये आपका इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको जो फर्स्ट वाला इमेज सोर्स पे टैप करना, इफेक्ट ऑप्शन में जाना, थीटर पे जाके कॉपी इफेक्ट करना, देन आपको क्या करना इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको क्या करना आपने जो है बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट में आ जाना। तो यहाँ पे आपको क्या करना वीडियो को वैसे ही रहने देना, देन आपको क्या करना यहाँ पे आपको आ जाना इस वाले ऑप्शन पे मतलब जो फर्स्ट वाला फोटो है उस पर टैप करना, इफेक्ट ऑप्शन में जाना, थीटर पे जाके पेस्ट करना, देन उसके आगे वाला जो है जो फोटो है ना उसको आपको ऐसे ही खाली छोड़ देना। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये जो बीट मार्क है इसमें दो फोटो थे, ठीक है। तो ये बाद में ठीक कर लूँगा मतलब कि ये इस फोटो पे आ गया तो इस वाले यहाँ पे सिंपल से मैं कट लगा देता हूँ, ठीक है। अब दो फोटो डिवाइड कर लेता हूँ तो यहाँ पे इस वाले फोटो पे भी आ गए तो इसको मैं सिंपल से यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो ये मैंने डिलीट कर लिया सारी इफेक्ट, देन एक इमेज को छोड़ के देन अगले इमेज पे पेस्ट करें, ठीक है। देन फिर से एक इमेज को छोड़ के देन अगले इमेज पे पेस्ट करें, तो इसी टाइप से आपको पेस्ट करना है। सो एक इमेज को छोड़ के देन अगले इमेज पे पेस्ट करें, देन फिर से एक इमेज का गैप डालना, देन अगले इमेज पे पेस्ट करना, देन फिर से एक इमेज को गैप डालना, देन लास्ट वाले इमेज पे पेस्ट कर देना, ठीक है। देन आपको दूसरा इमेज को दूसरा इफेक्ट पेस्ट करना पड़ेगा। सो उसके लिए क्या करना आपको क्या करना गाइज, अब आपको क्या करना इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको क्या करना यहाँ से आपको इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में चले जाना और यहाँ पे जो सेकंड वाला इमेज है ना सो उस पर आपने टैप करना, देन इफेक्ट के ऑप्शन में जाना, थीटर पे जाके कॉपी इफेक्ट करना, देन इस वाले प्रोजेक्ट से जैसे बैक आना, देन आपको बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना और यहाँ पे क्या करना जो इमेज पे इफेक्ट नहीं लगा हुआ उस वाले सभी इमेज पे आपको इफेक्ट लगा लेना, ठीक है। सो इस टाइप से इफेक्ट कैसे लगाना आपको जो है इमेज पे टैप करना, इफेक्ट के ऑप्शन में थीटर पे जाके पेस्ट, सो इमेज पे आपको इजीली से टैप करना, इफेक्ट के ऑप्शन में थीटर पे जाके पेस्ट, सो इमेज पे आपको टैप करना, देन इफेक्ट के ऑप्शन में थीटर पे जाके पेस्ट, तो इस वाले इमेज पे पेस्ट है, सो इस वाले इमेज पे पेस्ट किया, सो ये बाकी जो इफेक्ट बच गया वो बाद में पेस्ट कर लेता हूं। उसके बाद आप एक सेटिंग देखें, आपको यहां पे सेटिंग का आइकन दिख रहा है, जो एक्सपोर्ट करने से पहले आपको सेटिंग करनी, सेटिंग के एक ऑप्शन पे टैप करना और देन यहां पे आपको क्या करना जो FPS है ना फ्रेम रेट वो आपका जितना सेलेक्ट मतलब कि अगर डिफॉल्ट आपका 30 से ऊपर नहीं जाता तो 30 रखें, अगर आपका 30 से ऊपर डिवाइस जाता ना तो आप 60 कर लें, ठीक है 60 कर लें। देन आपको क्या करना सेटिंग के राइट साइड में आइकन मिल रहा है, सो आपने अपलोड के आइकन पे मतलब का अपलोड टाइप ही है तो उस पर आपने टैप करके वीडियो टैप करके एक्सपोर्ट कर लेना और वीडियो का एरर है तो यहाँ से भी आप लो और रिव्यूज और हाई जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट पे टैप करोगे तो इजीली से एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा। सो गाइस यार कैसी लगी आज की वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने बटन डिसलाइक भी कर सकते हो, लाइक और डिसलाइक का बटन जरूर दबा के जाएं और मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय। और वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक नहीं किया तो जा यार जाओ ज्वाइन।